पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती थी, वो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजते थे, स्कूल में अपने बच्चों को। स्कूल में भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, और अगर दोनों है भी तो पेयजल की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, मिड डे मील नहीं मिल पाता था, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता था। 2017 में जब हमारी सरकार